नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका कोड है 512। इसमें आपको क्या क्या करने हैं और कैसे करेंगे, इसका पूरा विवरण इसमें दिया हूँ। सबसे पहले जो होता है लेसन प्लान, लेसन प्लान का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ। दूसरा चीज़ जो है वो है TLM का निर्माण। आज मैं गणित विषय का TLM निर्माण आप कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरह का ऊपर का फॉर्मेट बना सकते हैं। देखिए बनाने आपको क्या क्या हैं, गणित विषय में संख्या कार्ड बनाना है जो 1 से 100 तक होगा, संख्याओं संख्या नाम कार्ड जो 1 से 100 तक होगा, गिनती चार्ट 1 से 100 तक होगा, पहाड़ा चार्ट 2 से 30 तक होगा, ज्यामितीय आकार चार्ट। वैसे तो बहुत सारा TLM है, लेकिन हम लोग प्राथमिक विद्यालय को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग एक एक करके कैसे बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहला चीज़ है संख्या कार्ड। आप देखिए ये एक संख्या कार्ड, यह एक संख्या कार्ड है। संख्या कार्ड को आप चाहें तो कई अलग अलग डिजाइन में बना सकते हैं, गोलाकार भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से बनाया हूँ। एक दूसरा स्टाइल जो है देखिए इस तरह का है। आप ऐसा बनावें जो अट्रैक्टिव हो, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। इस तरह का रंगीन संख्या कार्ड आपको बनाना है। इसी तरह आपको ये संख्या कार्ड 1 से लेकर 100 तक बनाने हैं आपको। मैं यहाँ 2 सिर्फ नमूना के तौर पर दिखाया हूँ, 1 और ये 2। इस तरह से आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 तक बनाने हैं। आप इसको अच्छा से, हमसे भी अच्छा आप कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें धागा लगा देना है। यहाँ पर धागा को पिरोकर ऐसे आप जब करेंगे, इस तरह से टंगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर भी इसमें बीचों बीच में आप धागा लगा देंगे, यहाँ पर भी आप धागा लगा देंगे, धागा पकड़ के ऐसे झूलता हुआ रहे, इस तरह से आपको करना है। तो ये 1 से 100 तक होगा। आप इसको गोलाकार भी बना सकते हैं या अन्य आकार में भी बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। अट्रैक्टिव बनाना है, लोगों को आकर्षित करना है, ऐसा बनाना है। तो ये पहला चीज़ मेरा हो गया संख्या कार्ड, जो आपको 1 से 100 तक बनाना है। अब दूसरा नंबर पर हम लोग चलते हैं, संख्या एवं संख्या नाम कार्ड। इसमें देखिए ये थोड़ा सा बड़ा, इसके अपेक्षा देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आप संख्या कार्ड बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि सभी बच्चे इसको दूर से देख लें, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बना दें। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि कक्षा में सारे बच्चे इसको देख सकें, आप दिखाएंगे और सारे बच्चे देख सकें, ऐसा बनाना है बड़ा साइज का। अर्थात आप 3 इंच बाय 5 इंच बना सकते हैं, 3 इंच बाय 4 इंच बना सकते हैं। उसके बाद आता है जो संख्या है, संख्या नाम कार्ड। ये देखिए संख्या नाम कार्ड है, उससे इसको आप बड़ा रखेंगे। इसमें करना क्या, इधर संख्या लिखना है और उसके बगल में इसका नाम लिखना है, 1 1। इसी तरह से आपको
बनाते जाना है, दो दो, तीन तीन, इसी तरह से आपके 100 तक आप बना ले सकते हैं। ये अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैं तो इसको केवल दिखाने के लिए आप लोगों को बना दिया। इसमें आप तरह तरह के रंगीन स्टाइल से बना सकते हैं, लिख सकते हैं, इधर भी कुछ छाप सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं चारों तरफ। ये बॉर्डर आप अपनी यानी आप इसको कैसे सजाएं जो आप अट्रैक्टिव लगे, कलरफुल आप कैसे डालेंगे कलर इसमें जो अट्रैक्टिव लगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा नंबर मेरा ख़त्म हो गया। अब तीसरा नंबर आता है गिनती चार्ट, जो 1 से 100 तक। देखिए एक गिनती चार्ट है, आप इसको देखिए, ऊपर में आपको गिनती चार्ट में एक पूरा चार्ट पेपर आपको लेना है और ऊपर में आप गिनती लिख देंगे, नीचे में आप इस तरह से गिनती शुरू करेंगे और 100 तक लिखेंगे। इस तरह से लाइन बाय लाइन आपको लिखते जाना है। बाज़ार में भी इस तरह का बना हुआ मिलता है, आप उसको देख करके बना सकते हैं। गिनती चार्ट के कोना में आपको नीचे अपना विवरण आपको यहाँ पर देना है। क्या क्या देना है? छात्राध्यापक का नाम, नामांकन संख्या, विद्यालय का नाम, दिनांक, ये आपको गिनती चार्ट में आपको देना है। तो इसको एक पूरा चार्ट आप लेंगे, चार्ट पेपर, उस चार्ट पेपर में बड़े बड़े जो आप संख्या लिखेंगे ये बड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे भी जब आप इसको चार्ट शो करेंगे तो पीछे से देख सकें इसलिए। उसके बाद आता है हम लोगों का पहाड़ा चार्ट। तो देखिए ये पहाड़ा चार्ट है, मैं केवल एक नमूना के तौर पर दिखा रहा हूँ, इसीलिए इस तरह से एक आप चार्ट पेपर में ऊपर में पहाड़ा या टेबल, यदि इंग्लिश लैंग्वेज आपका है तो टेबल लिख सकते हैं, और इस तरह से 2 से लेकर के आप जहाँ तक लिखना चाहें, 20 तक लिखें, 30 तक लिखें, जहाँ तक लिखना चाहें इसको आप लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको छात्राध्यापक का नाम, नामांकन संख्या, विद्यालय का नाम, दिनांक, ये भी आपको लिखना है, क्योंकि ये किसने सबमिट किया ये कैसे पता चलेगा, इसलिए इसमें आपको ये नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद आता है आपका ज्यामितीय आकार चार्ट। देखिए इसमें ऊपर में अच्छा से डिज़ाइन से ज्यामितीय आकार लिख दीजिए, और जो जो ज्यामिति में आता है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, वेलन, ये सभी आप एक के बाद एक आप इसको बना देना है। यहाँ पर आप बनाते जाएंगे, देखिए ऊपर से इस तरह आपको, और नीचे कोना में आपका छात्राध्यापक का नाम, नामांकन संख्या, विद्यालय का नाम, दिनांक, ये देना है। अब इसे प्रस्तुत कैसे करना है, ये तो बना लिए। बनाने के बाद आपको वहाँ पर प्रस्तुत भी करना है, कार्यशाला में आपको प्रस्तुत करना है। तो प्रस्तुत कैसे करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का TLM लेकर के आऊँगा, जिसमें आपका अक्षर कार्ड होगा, मात्रा पोथी होगा, शब्द पट्टी होगा, कविता पट्टी होगा, अनुच्छेद पट्टी होगा, ये हिंदी का TLM है। उसके बाद में विज्ञान का भी TLM आपके पास लेकर के आऊँगा, पर्यावरण अध्ययन का। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, आपको इसमें क्या दिक्कत है, परेशानी है, या कुछ चाहिए, आपको मदद चाहिए तो आप कमेंट करें। और यदि मेरा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का आपसे आपकी समस्याओं का समाधान के लिए नया नया वीडियो
अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबा के रखें। धन्यवाद दोस्तों।